जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका विजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 500 स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए आर्मी स्पेशल रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए मास्टर क्लास की रहेगी, जिसमें नॉन स्टॉप 500 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी आज ये मैराथन क्लास आपके लिए रहेगी, जिसमें 500 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आर्मी एग्ज़ाम के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 500 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए आर्मी जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन और आपके नर्सिंग असिस्टेंट या क्लैरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मास्टर क्लास आपके लिए रहेगी नॉन स्टॉप। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के 500 क्वेश्चन। तो आर्मी स्पेशल आपके लिए वीडियो है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर फॉर्म में हैं। नेक्स्ट वन है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए, नोट्स आपको साथ साथ में इसके बनाते चलना है। नेक्स्ट वन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। तो शिक्षक दिवस जो है ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में जो है ये मनाया जाता है। जापान, नेक्स्ट वन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में जो है ये परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट वन, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो ये सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट वन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय पुष्प जो है ये है हमारा कमल। राष्ट्रीय पुष्प जो है हमारा भारत का, तो वो है हमारा कमल। कमल जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। नेक्स्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंध रखते हैं? तो धनराज पिल्ले जो है ये हॉकी से संबंध रखते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि हॉकी के जादूगर जो है वो किसे कहा जाता है। नेक्स्ट 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहा जाता है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो टोटल 5 जो है वो स्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट वन, कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा स्थान जो है ये सिंधु सभ्यता से जुड़ा है और ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट वन है, चोथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो कर का मतलब है यहाँ पे टैक्स। चोथ नामक जो एक टैक्स था वो किसके द्वारा लिया जाता था? मराठाओं के द्वारा ये लिया जाता था। नेक्स्ट है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो गंगा जो है ये पवित्र नदी है। 25-25 इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट वन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे जी को जो है भूदान आंदोलन का नेतृत्व करने का नेता कहा जाता है और इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट वन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरुआत की थी? किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में पहली बार अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी। नेक्स्ट वन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह जी को जो है वो फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। मिक्स क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, आपके स्टैटिक जीके के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। मिक्स क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बनाए गए हैं। साथ साथ में आपको अपने नोट्स बनाते चलना है। नेक्स्ट है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है ये नींबू और संतरे में पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, और मुख्य तौर से खट्टी चीजों में विटामिन सी ही पाया जाता है। नेक्स्ट वन है, उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर जी जो है ये नृत्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। नेक्स्ट है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो पहले स्थान पे जिला परिषद होता है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कावरत्ती जो है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। 20 क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो रुपया जो है ये श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। साथ में भारत की मुद्रा का नाम भी रुपया है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है ये डिस्कवरी नामक
डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। इनके नाम के ऊपर जो है वो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने जो है वो गुरुत्वाकर्षण की खोज की है। सभी एग्ज़ाम के लिए जो है हमारे ये 500 क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, चाहे आपका एग्ज़ाम आर्मी का है, एयरफोर्स का है, पुलिस का है, एसएससी का है, एचपीएसएससी का है, रेलवे, बैंकिंग, सभी में हमारे जीके, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है वो सबसे पहले नोबल पुरस्कार दिया गया था और इनको जो है ये नोबल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। 1913 में जो है इनको नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और पहले ऐसे भारतीय थे जिनको नोबल पुरस्कार मिला था। साथ में गीतांजलि के लिए जो है वो इनको नोबल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने जो है वो जनगणमन की रचना की थी। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये प्रशिक्षक, कोच या फिर हम गुरु बोल सकते हैं, उनसे ये संबंधित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष उसे शुरू किया गया था। खुजराहो कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकेदमी कहाँ पे स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो है वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जी के नाम के ऊपर जो है वो 12 जनवरी को जो है वो हमारा युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन है, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर ये आधारित है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो सबसे पूर्वी भाग में हमारा अरुणाचल जो है ये स्थित है। कौन सा दर्रा नाथुला दर्रा के पार है, सॉरी कौन सा देश जो है वो नाथुला दर्रा के पास है? तो चीन जो है ये हमारा नाथुला दर्रा के उस पार है। नेक्स्ट वन है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, भारतीय सेना में बिजयंत नाम का क्या है? तो बिजयंत नाम का जो है भारतीय सेना में एक टैंक है। 33वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसने किसके काल में भारत आया था? तो किसके शासन काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में जो है वो फाहियान जो है वो भारत आया था और ये पहला ऐसा चीनी यात्रा था जिसने भारत का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है, प्रख्यात सिनेमाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो जो हमारे प्रसिद्ध सिनेमाकार है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, सिनेमाकार जो है पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर, उसमें उनमें बाप बेटे का संबंध है। नेक्स्ट वन है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो असम को जो है वो चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है और असम की चाय पूरे भारत और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बनी है। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और आर्मी के एग्जाम में अब हल्का सा करंट अफेयर भी पूछा जाने लगा है। नेक्स्ट वन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली में जो है ये हमारा जंतर मंतर स्थित है। आपको एक और इसका आंसर बताना है कमेंट में कि भारत के दिल्ली में जो है वो जंतर मंतर स्थित है और एक और स्थान है जहाँ पर भी हमारा एक जंतर मंतर स्थित है। कई बार दिल्ली ऑप्शन में ना हो तो आपका एक और स्थान है भारत का जहाँ पे जंतर मंतर स्थित है, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन माना जाता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में जो है ये दार्जिलिंग स्थित है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके आर्मी के एग्जाम में बेसिकली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? आंध्र प्रदेश की जो राजभाषा है ये है हमारी तेलुगु। बात करें आंध्र प्रदेश की राजधानी की, तो हैदराबाद इसकी राजधानी है और आंध्र प्रदेश से ही टूटकर जो है एक नया राज्य हमारा बना है, सबसे नया राज्य भारत का, उसका नाम है तेलंगाना।
नेक्स्ट वन है हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है। नेक्स्ट है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो मिश्र सभ्यता का विकास जो है ये नील नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, तो गया एक स्थान है जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी, तो महाकवि कालिदास के द्वारा जो है वो शकुंतला नामक नाटक एक ये किताब लिखी गई थी। जवाहर सबसे ऊंचा कब होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं उस टाइम पे जवाहर सबसे ऊंचा रहता है। कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है, तो ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो खैबर दर्रा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। जैसे हमारे पास मैकमोहन रेखा है, डूरंट रेखा है, इसी टाइप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है। नेक्स्ट है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, तो यमुना जो है ये प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। यमुना की बात करें हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, कालिंदी इसका दूसरा नाम है और गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। नेक्स्ट है कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर बसा है, तो कानपुर शहर गंगा नदी के तट पर बसा है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, मतलब कि भारत का कोई भी राज्य जो है वो धर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि इस धर्म के लोग इस राज्य में रहेंगे, ऐसा कोई भी हमारे ना तो संविधान में है ना तो हमारे भारत का ऐसा कोई आदमी इसको मानता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग या फिर नेशनल हाईवे किसको जोड़ते हैं, तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जो है वो नेशनल हाईवे से जोड़ा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे बड़ा NH नेशनल हाईवे कौन सा है, उसका नाम क्या है। कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, तो नासिक जो है ये अंगूरों की पैदावार के लिए भारत का एक प्रमुख शहर है। नेक्स्ट है कोयना बांध कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में ये हमारा स्थित है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो नवंबर के शुरू होते ही खरीफ की फसल काटी जाती है। धान जो है हमारी एक मुख्य खरीफ फसल है। नेक्स्ट है हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हमारे हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर रहता है। तो कई बार आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि हिमानी ग्लेशियर क्या चीज़ है, तो ये हमारा एक बर्फ का विशाल एक पिंड है, एक ग्रुप आप बोल सकते हैं उसका, एक बंडल है जो हमारे हिमालय पर्वत की जो ऊपर वाले हिस्से हैं श्रेणी है वहाँ पे ये रहता है। नेक्स्ट है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, तो मेघना के नाम से जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये जो है ये सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं और सुंदरबन डेल्टा जो है ये हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेक्स्ट है सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश से जो है ये भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है तवा किसकी सहायक नदी है, तो सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए बनते हैं, तो नर्मदा नदी जो है इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम है तवा। नेक्स्ट वन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। साथ साथ में आपको अपने लिए नोट्स बनाते चलना है ताकि आपकी जो तैयारी है आर्मी के एग्जाम के लिए वो काफ़ी अच्छी हो सके। नेक्स्ट है कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, तो दामोदर नदी को जो है वो बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर निकलती है, कुछ यूनिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो नर्मदा नदी को जो है वो भ्रंश नर्मदा नदी जो है ये हमारी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट है
हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा को जो है वो राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी जो है ये सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। गोदावरी को जो है वो मृद गंगा के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी बहने के अनुसार जो है ये सबसे लंबी नदी है, बट एक्चुअल में जो सिंधु नदी है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इस क्वेश्चन में, वो मैं आपको एक बार बता देता। अगर क्वेश्चन आपके लिए ऐसा है कि भारत की सबसे लंबी नदी है, तो उसका आंसर गंगा नहीं है, उसका आंसर है सिंधु नदी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ऐसा आए कि भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन है, तो उसका आंसर है गंगा। नेक्स्ट है, कावेरी नदी कहाँ से गिरती है? तो कावेरी नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। नेक्स्ट है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी जो है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की लंबाई जो है वो मुख्य रूप से समान है, 2900 किलोमीटर के आसपास दोनों की लंबाई रहती है। नेक्स्ट है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों के बीच जो है वो कावेरी जल विवाद हमारा रहता है। नेक्स्ट है, किस नदी को मृद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, गोदावरी नदी को जो है मृद गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी जो है वो कपिल जल धारा प्रपात का निर्माण करती है। आपको बताना है कि कपिल जल धारा प्रपात किस राज्य में स्थित है? किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मणी नदी को जो है वो उड़ीसा का शोक कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, यहाँ पे ब्रह्मणी नदी है, दोनों अलग अलग हमारी नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, बैन गंगा और पैन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये दोनों जो हैं ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो कई बार यहाँ पे आपको ऑप्शन में गंगा दे दिया जाता है, तो आप जल्दी से इसको जो है वो बैन गंगा, जैसे गंगा इसमें हिंट है, तो आप जल्दी से इसको गंगा के ऊपर टिक कर देते हैं, बट इसकी जो ये जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, इंडो ब्रह्मा एक क्या है? तो इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी है। नेक्स्ट है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल स्थित है? तो गंगा नदी पे सबसे लंबा सड़क पुल स्थित है। नेक्स्ट, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप बनाती है? तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र में जो है नदी जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मजुली द्वीप जो है ये बनाती है। आपको बताना है कि ये द्वीप हमारा किस राज्य में स्थित है, ये भारत के किस स्थान पे स्थित है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट है, नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तापित हुई थी? तो राजग सरकार के शासनकाल में जो है वो नदियों को जोड़े जाने की योजना बनाई गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी के ऊपर जो है भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो सिर्फ 20% जो है ये भारत जो है वो सिंधु नदी का उपयोग, उसके जल का 20% उपयोग ही कर सकता है। और बात करें कि सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की, तो वो भी हमारी सिंधु नदी ही है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर बहने का क्रम क्या है? तो सबसे पहले महानदी आती है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगाई। तो कई बार आपको जो है इस वे में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि प्रायद्वीपीय नदियों में उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है। तो आपको इन इसमें से इन 6 ऑप्शन में से
महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगाई में से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। बाकी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ बताई जाएंगी, जैसे आपके पास है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मणी नदी, तो उसमें से आपको इसका आंसर पहचानना होता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होके बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो जम्मू कश्मीर से होके बहती है? तो उसका नाम है सिंधु नदी। यहाँ पे थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंजिंग आनी थी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बनना था कि कौन सी नदी पाकिस्तान के बाद जो है वो भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर या केंद्र शासित प्रदेश से बहती है, तब इसका आंसर जो है वो सिंधु नदी आना था। हमारा बेसिक फाउंडेशन का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको 100% श्योर सक्सेस जो है वो मिलेगी। सो आप हमारा बेसिक फाउंडेशन कोर्स कर ज्वाइन कर सकते हैं विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर में। नेक्स्ट वन है, पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये दोनों जो हैं ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से जो है वो दामोदर नदी निकलती है। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी जो है वो इनको दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में स्थित हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही हैं, तो दक्षिण की ओर जो है ये स्थित हैं। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो महाकालेश्वर मंदिर हमारा मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नदियों के किनारे बसे शहर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो देवप्रयाग में जो है इन दोनों के मिलने से गंगा का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती नदी से ये विभाजित होती है। लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? तो राजस्थान में ये गिरती है, कच्छ करण जो हमारा गुजरात में है वहाँ पर भी ये गिरती है। नेक्स्ट है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो सतलुज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो हैं ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट है, कौन सी नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए और इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी को जो है वो दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दूसरी गंगा के नाम से जो है ये हम जानते हैं कावेरी नदी को। सबसे यूनिक क्वेश्चन है, आपको साथ साथ में नोट्स बनाते चलना है ताकि आपकी तैयारी जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से हो सके। 100 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, मैराथन क्लास आपके लिए रहे है। 500 क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए रहेगी। वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपकी तरफ से भी कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए। वीडियो को लाइक करना है और साथ में आपको कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब आपने करना है। नेक्स्ट वन है, पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पापाधनी और चित्रावती जो हैं ये हमारी पेन्नार की सहायक नदियाँ हैं। नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, मोस्टली हमने 30+ क्वेश्चन जो है वो नदियों से ही डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसकी स्थापना की बात करें तो ए ओ ह्यूम ने जो है वो इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट वन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो मुंबई में 1885 में। मुंबई में 1885 में जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटिशर भारत का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन जो था वो उस टाइम के
उस टाइम का भारत का वो इसरो ही था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, आपसे पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो 1917 में बनाई गई थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके लिए ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, यहाँ पे पहली महिला तो है बट साथ में पहली भारतीय महिला आपसे पूछा गया, तो उनका नाम था सरोजनी नायडू, और इनको जो है 1925 में बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन कौन सी रही थी? अगर बात करें तो सबसे पहले श्रीमती एनी बेसेंट रही थी 1917 में, उसके बाद सरोजनी नायडू रही 1925 में, और उसके बाद नेली सेन गुप्ता रही 1933 में। नेक्स्ट वन है, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में जो है वो पहला भारतीय विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? तो जॉर्ज यूल जो थे वो पहले अंग्रेज थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो अध्यक्ष बनाए गए थे 1888 में। नेक्स्ट वन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम जो हैं, सॉरी मौलाना अबुल कलाम आजाद है यहाँ पे, ये जो थे ये पहले सॉरी सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और साथ में मौलाना अबुल कलाम की बात करें, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, तो सबसे पहले भारत के आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री भी हमारे यही रहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? तो बदरुद्दीन तैबजी, जो कि मद्रास से संबंध रखते थे, 1887 में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता 70 में 1896 में। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पहला संयुक्त सत्र कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था ये 1916 में। आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जरूर जुड़ें, जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, PDF, स्टडी मटेरियल्स, HPG के नोट्स, इंडिया जी के नोट्स, आर्मी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें और आर्मी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके सॉल्व पेपर हैं, वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके सामने नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र जहाँ खादी पहनना अपने कार्यकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया था, तो ऐसे कौन से राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? तो उनका नाम था एनी बेसेंट, जो कि 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट वन है, राष्ट्रगान जनगणमन को पहली बार कब गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था 1911 में। इसकी बात करें तो जनगणमन जो है गीतांजलि से लिया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गाया गया था, और उसी के लिए उनको साहित्य में जो है वो नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1913 में, जो कि भारत का पहला नोबल पुरस्कार था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सत्र कहाँ पे हुआ था? तो बेलगाम में ये हुआ था, और 1924 में जो है वो महात्मा गांधी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, और ये सिर्फ अध्यक्ष बने थे 1 साल के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जहाँ लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, ये कब हुआ था? तो 1929 में ये हुआ था। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो आचार्य जे कृपलानी जो है 1946 में जो है ये हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और स्वतंत्रता होने तक ये हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है, पंजाब का राजकीय पशु पशु क्या है? तो ब्लैक बक जो है ये पंजाब का राजकीय पशु है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था? तो आर के
षटमुगन शेट्टी के द्वारा जो है ये पहला बजट दिया गया था, और भारत के सबसे पहले वित्त मंत्री भी यही रहे थे। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बनाए गए थे? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट है, व्हाइट हाउस कहाँ पे स्थित है? तो वॉशिंगटन डीसी में जो है ये हमारा स्थित है, जो हमारा यूएसए में पड़ता है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो टोक्यो जो है ये जापान की राजधानी है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉम्सन ने जो है ये इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जे थॉम्सन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कोलकाता के सत्र में ये गाया गया था। नेक्स्ट वन है, 24 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किसने की थी? तो कामी रीता शेरपा ने जो है वो 24 बार जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। तो माउंट एवरेस्ट की बात करें, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि हमारी नेपाल में पड़ती है। नेक्स्ट है, गांधी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो गांधी स्टेडियम हमारा जालंधर में स्थित है। और स्पोर्ट्स सिटी के नाम से बात करें, खेलों का सामान जो है ये भी हमारा जालंधर में ही मुख्य रूप से मिलता है। करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फेयर एंड लवली के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो यामी गौतम जो है ये फेयर एंड लवली क्रीम जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो तुगलक के द्वारा जो है वो जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 को जो है वो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी, गूगल के सीईओ 2021 में कौन है? तो सुंदर पिचाई जो है ये भारत से संबंध रखते हैं और ये वर्तमान के गूगल के सीईओ हैं। नेक्स्ट है, मोबीक्विक के सीईओ कौन है 2021 में? तो विपिन प्रीत सिंह जो हैं ये मोबीक्विक के सीईओ हैं। आपके लिए दो ही क्वेश्चन डाले गए हैं, क्योंकि हल्का सा करंट अफेयर आपके आर्मी के एग्ज़ाम में पूछे जाना लगा है। नेक्स्ट है, मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो मंदसौर का जो युद्ध था वो भारत में मराठा और अंबर के जय सिंह द्वितीय के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, और पहला जो है ये लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दूसरा चंद्रयान मिशन जो है वो कब लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट वन है, नोकिया के सीईओ कौन है? तो पक्का लुकमार्क जो है ये नोकिया के वर्तमान के सीईओ हैं। नेक्स्ट वन है, भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? तो भारतीय संविधान में जो है ये वर्तमान में 470 कुल लेख हैं। नेक्स्ट वन है, मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड होता है? तो HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मानव के पेट में पाया जाता है, और सभी प्रकार की वस्तुओं को गलाने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट है, टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव जो है जो हमारा कोलाइड के कणों के द्वारा जो वितरित हो जाता है, स्कैटर्ड कर जाता है, उसको टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव के नाम से हम जानते हैं। ये मुख्य तौर से जो है ये जंगलों में होता है। नेक्स्ट है, 1 GB जो है वो कितने MB के बराबर होता है? तो 1024 MB के ये बराबर होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह के द्वारा जो है वो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? जून 1923 में भारत का पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, 1977 में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। यहाँ पे दो नाम इसलिए बताए गए हैं क्योंकि 1977 के बीच में जो है वो मोरारजी देसाई भारत के पीएम थे स्टार्टिंग में, और 1977 के एंडिंग में जो है वो इंदिरा गांधी जी भारत की पीएम बनाई गई थी। नेक्स्ट है, जनरल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रबड़ की कठोरता को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो बल्कनीकरण का उपयोग किया जाता है, और इसमें जो है मुख्य रूप से सल्फर मिलाया जाता है।
INC जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, इसके पहले मुस्लिम निदेशक कौन थे? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बदरुद्दीन तैबेजी जो हैं ये हमारे पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेक्स्ट है, UNO में कुल कितने सदस्य हैं, कितने देश हैं? तो 193 जो हैं वो टोटल इसमें देश हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और इस बार भी 2021 की बात करें तो इसमें भी हमारा जो सबसे स्वच्छ शहर रहा है भारत का, वो है हमारा इंदौर। नेक्स्ट है, मैं हिंदू क्यों हूँ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो शशि थरूर के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, किस फिल्म ने 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो पानी की आकृति ने जो है वो 2018 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है, भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद पहला पेपरलेस बजट किसने पेश किया था? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है वो पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था 2021 में। करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है और हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि भारत में ऐसा पहली बार हुआ है कि ई बुकलेट के माध्यम से जो है कंप्यूटर के माध्यम से पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय तट रक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को ये पूरे भारत में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बादशाह अकबर के खिलाफ अहमदनगर की किस रानी ने लड़ाई लड़ी थी? तो चंद बीबी ने जो है वो बादशाह अकबर के खिलाफ अहमदनगर की लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है, तांत्या टोपे किस क्रांतियों से संबंधित हैं? तो 1857 में जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उससे तांत्या टोपे का संबंध रहता है। नेक्स्ट है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा उपन्यास वंदे मातरम का स्रोत है? मतलब कि वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से यह लिया गया है और बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। वंदे मातरम को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है, या फिर आप बोल सकते हैं 1 मिनट 5 सेकंड का समय लगता है, और ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य अपनी नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य जो है वो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो कतर में होगा ये। खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसी लिए आपके इस 500 क्वेश्चन की सीरीज़ में खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन भी मुख्य रूप से डाले गए हैं। नेक्स्ट है, विलुप्त प्रजाति का उल्लेख किस पुस्तक में किया जाता है? तो लाल डेटा बुक में जो है वो विलुप्त प्रजातियों का, जिनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया है या होने जा रहा है, उसका उल्लेख जो है वो लाल डाटा बुक में किया जाता है। नेक्स्ट है, चोसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 1534 ईस्वी में चोसा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, कौन UNO का स्थायी सदस्य नहीं है? तो मलेशिया जो है UNO का स्थायी सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है, नाबार्ड का गठन कब हुआ था? ये हमारा एक बैंक है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, कृषि से संबंधित एक हमारा बैंक है। मुख्य रूप से पूरे भारत का इसका गठन जो है ये हुआ था 22 जुलाई 1982 को। आपको बताना है कि नाबार्ड का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है, निकोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दूसरी पंचवर्षीय योजना से ये संबंध रखता है। 2019 में सबसे बड़ा तेल का उत्पादक राज्य कौन सा था? तो रूस में जो है वो सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक राज्य बना था 2019 का। नेक्स्ट है, राजस्थान की फड़ चित्रकला किससे संबंधित है? तो ये धर्म से संबंध रखती है। नेक्स्ट है, CSIR का पूरा नाम क्या है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है वो CSIR को बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। बात करें कि हिमाचल में हमारा CSIR कहाँ पे स्थित है, तो जिला कांगड़ा के पालमपुर में जो है ये हमारा CSIR स्थित है। नेक्स्ट है, 170th क्वेश्चन है हमारा, 170वां क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत जो है संविधान के अनुसार जो है हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है। इसकी लिपि की बात करें तो देवनागरी जो है इसकी लिपि है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपके आर्मी के सैंपल पेपर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो हमारी स्थल सीमा है वो सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब को मापता है, और अगर इसमें एकदम से इसका जो पारा है अगर वो एकदम से नीचे गिर जाए तो मतलब कि उसका लेवल जो है वो नीचे गिर जाए तो वो बताता है कि तूफान आने की संभावना है। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। नेक्स्ट है, कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में जो है वो कांजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। नेक्स्ट वन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा है। नेक्स्ट है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहा जाता है? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। लोगों के द्वारा बनाई गई जो एक सदन है उसी को लोकसभा कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? तो 552 जो हैं वो टोटल सदस्य होने चाहिए लोकसभा में, लेकिन वर्तमान में जो है वो हमारे पास सिर्फ 545 लोकसभा के सदस्य हैं। हिमाचल की बात करें तो 4 सीटें जो हैं वो हिमाचल में लोकसभा की हैं। लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ओंगल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2 प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में नामित किया जाता है। एंगल इंडियन जो है उस समुदाय के लोगों को लोकसभा में नामित किया जाता है। नेक्स्ट वन है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित रहती हैं? तो राज्यों की जनसंख्या के आधार पर जो है लोकसभा की सीटें बांटी जाती हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो ये जो है 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके स्तर पर जो है अभी तक इसे निर्धारित किया गया है, और हाल ही में जो है वो भारत की जनगणना जो है वो भी स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट है, कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो 14वीं लोकसभा के चुनाव जो थे वो 4 चरणों में किए गए थे। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संसद से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बनेगा बनेगा। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है वो न्यूनतम आयु आपके लिए चाहिए, न्यूनतम एज जो है वो 25 वर्ष होनी ही चाहिए। नेक्स्ट वन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं? तो उत्तर प्रदेश की हैं। 80 सीटें जो हैं वो लोकसभा की उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक पूरे भारत में रहती हैं। नेक्स्ट वन है, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र की 2रे नंबर पर सबसे अधिक सीटें आती हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की सबसे कम संख्याएं हैं? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में जो हैं वो सबसे कम संख्याएं, टोटल एक एक सीट जो है वो लोकसभा की रहती है। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा जो है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और इसका नेता जो है वो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान के प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात राज्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट वन है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? ये आपके लिए यूनिक क्वेश्चन है ये भी। जो हमारे भूतपूर्व सांसद होते हैं, जो हमारे मंत्रिमंडल में रहते हैं, तो उनके लिए जो पेंशन की व्यवस्था है वो 1976 में जो है वो लागू की गई थी। तो 1976 में जो है पेंशन व्यवस्था को लागू
किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, यूनिक क्वेश्चन है आपके इस 500 की सीरीज का, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है, लोकसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो लोकसभा में जो है वो कम से कम, सॉरी यहाँ पे सत्र है, कम से कम कितने सत्र होते हैं? तो वर्ष में दो बार जो है लोकसभा के सत्र होते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है, बट प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो लोकसभा में जो है वित्तीय बिल पास हो सकता है। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो लोकसभा में जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो लोकसभा के द्वारा बजट पारित किया जाता है, और बजट को पारित किया जाता है भारत के वित्त मंत्री के द्वारा। वर्तमान की बात करें तो निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, और एकमात्र हमारी पहली भारतीय वित्त मंत्री रही हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इस इन प्रश्नों का निर्णय करता है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान की लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो अस्थाई लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो अगर कोई लोकसभा का मेंबर 2 महीने तक जो है वो लोकसभा में अनुपस्थित रहे, अगर लोकसभा वो नहीं आ रहा है, तो उसकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। नेक्स्ट है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? तो वित्त विधेयक को जो है वो लोकसभा ही पारित कर सकती है। फाइनेंशियल से जितने भी रिलेटेड सत्तर या कोई भी हमारा बिल रहता है वो हमारे लोकसभा में ही मुख्य रूप से पारित होते हैं। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो सिर्फ और सिर्फ आपातकाल की स्थिति में जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो एक बार में जो है वो एक वर्ष के लिए इसके कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके दो बार बढ़ाया गया था? तो 1976 में जो है लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके जो है वो दो बार बढ़ाया गया था। नेक्स्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न का सत्र, प्रश्नोत्तर सत्र को जो है वो शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दे सकता है? जी हाँ, तो राज्यसभा का सदस्य जो है वो अपना भाषण जो है वो लोकसभा में दे सकता है। नेक्स्ट, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और उसे जो है वो प्रोटेम स्पीकर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को जो है वो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट है, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही फैसला देने का अधिकार होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो उसके हेड होते हैं, उन्हीं के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे थे? पहले भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष तो जीवी मालवंकर जो हैं ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। कई बार आपको राष्ट्रपति ऑप्शन में दिया होता है, बट इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसी विधेयक धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, मतलब कौन उसके ऊपर फैसला लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही
कोई भी फाइनेंशियल का बिल है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है और उसके ऊपर फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लिया जाता है। नेक्स्ट है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति जो है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा में एक महासचिव भी होता है जिसकी नियुक्ति लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है। और वर्तमान के लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिड़ला। नेक्स्ट वन है, कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था के एस हेगड़े। नेक्स्ट है, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो जीवी मालवंकर को जो है लोकसभा का जनक माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत शयनम अपंगर जो है लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के द्वारा जो है उसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन में पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव जो है उसका महासचिव रहता है। भारत के लोकसभा सदस्य किस देश के हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, इंग्लैंड पर ये आधारित हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर ही निर्धारित होता है। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो उनका नाम था मीरा कुमार। भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो कि हमारा दिल्ली में पड़ता है। नेक्स्ट है, विजेंद्र कुमार किस खेल से संबंध रखते हैं? तो मुक्केबाजी या फिर बॉक्सिंग आप बोल सकते हैं, उससे ये संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बीमर शब्द जो है ये क्रिकेट से संबंध रखता है। नेक्स्ट, खेलों से रिलेटेड कुछ आपके लिए क्वेश्चन है। आगा खां कप का संबंध जो है वो हॉकी से है। जी मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा, टाइगर वुड्स जो हैं ये हमारे गोल्फ से संबंध रखते हैं। शॉर्ट कॉर्नर, टाई ब्रेकर, पेनल्टी जो है ये हॉकी से रिलेटेड हमारे कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। ओलंपिक खेल जो हैं वो 4 वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं। ईडन गार्डन स्टेडियम जो है ये हमारा कोलकाता में स्थित है। देवधर ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंध रखती है। बेस्ट स्ट्रोक जो है ये तैराकी से जुड़ा एक हमारा महत्वपूर्ण शब्द है। सोमदेव देव बर्मन किस खेल से संबंध है? तो लॉन टेनिस से ये संबंध रखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है उसका नाम है हॉकी। नेक्स्ट है, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो ग्रीस एथेंस में ये आयोजित किए गए थे 1896 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राशिद अनवर जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता था। 2007 का विश्व क्रिकेट कप जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो वेस्ट इंडिया में ये आयोजित किया गया था। और 2011 में जो है वो भारत के द्वारा विश्व क्रिकेट कप जीता गया था। नेक्स्ट है, भारत के फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। शोकर जो है किस खेल का दूसरा नाम है? तो फुटबॉल को जो है वो सोकर के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी पुराना खेल है। और डूरंड कप जो है वो मुख्य रूप से फुटबॉल से जुड़ा है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मलेश्वरी जो है वो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? तो पीटी उषा को जो है वो पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता था? 1980 में जो मॉस्को में ओलंपिक खेल हुए थे उसमें जो है वो भारत ने अंतिम बार हॉकी में स्वर्ण पदक गोल्डन जो है वो पुरस्कार जीता था। उसके बाद जो है गोल्ड मेडल अभी तक भारत को हॉकी में नहीं मिला है। नेक्स्ट है, एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? तो
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो है ये एशेज क्रिकेट श्रृंखला खेली जाती है। संदीप सिंह का संबंध जो है वो हॉकी से है। नेक्स्ट है क्रीज डक ड्राइवर शब्द जो है ये हमारा क्रिकेट से संबंध रखता है। नेक्स्ट वन है किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। जैसे हिंदुओं का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है हमारा गीता, उसी वे में जो मुस्लिम होते हैं उनका जो पवित्र ग्रंथ है उसको बाइबल कहा जाता है। तो क्रिकेट की दुनिया में जो है ये फिर किस मैगजीन को जो है वो क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है, तो बिजडन को जो है वो क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा खेलों में दिए जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट है क्रिकेट से संबंधित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है, तो उनका नाम है कपिल देव। क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था क्या है, तो ICC जो है वो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वॉटर पोलो में कुल 7 खिलाड़ी हमारे होते हैं। नेक्स्ट है राहुल द्रविड़ को जो है किस ने नाम से जाना जाता है, तो मिस्टर रिलायबल द बॉल और जैमी के नाम से जो है वो राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। कई बार इनके निक नेम से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है, जैसे हॉकी के जादूगर, फिर आपके लिए लिटिल मास्टर माही, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके लिए उपनाम रहते हैं, तो उसी वे में क्वेश्चन आपके लिए कई बार इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट है 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, तो उनका नाम था संतोष यादव। नेक्स्ट है शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो शतरंज का जन्मदाता जो है वो भारत को कहा जाता है। और शतरंज के जो जादूगर हैं उनका नाम जो है वो विश्वनाथन आनंद के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट है क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो क्रिकेट जो है ये हमारा इंग्लैंड से स्टार्ट किया गया था। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो मुख्य रूप से 7 खिलाड़ी हर टीम में खेले जाते हैं। नेक्स्ट है सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो सुनील गावस्कर के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। फिरोज शाह कोटला कहाँ पे स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है और इसका नया नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। नेक्स्ट है किस मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, किस खेल के मैदान का सबसे आकार बड़ा होता है, तो पोलो जो है वो उसके लिए काफ़ी बड़ा मैदान जो है वो रहता है। नेक्स्ट है क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो 27 इंच जो है वो स्टंप की ऊंचाई रहती है। नेक्स्ट है वानखेड़े स्टेडियम हमारा मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप जो है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कप है। भारत में पोलो का प्रचलन जो है वो तुर्की के द्वारा शुरू किया गया था। रनर शब्द जो है ये हमारा क्रिकेट से जुड़ा है। सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान जो है वो पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट है तानिया सचदेव जो हैं उन्होंने शतरंज में जो है वो प्रसिद्धि प्राप्त की हुई है। नेक्स्ट है राधा मोहन का संबंध जो है ये पोलो से है। क्रिकेट में पंपिंग क्रीज की माप जो है वो 4 फुट रहती है। तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वन है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं, तो 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं। यूरो कप किस खेल से संबंधित है, तो यूरो कप जो है ये हमारा फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन थे, तो CK नायडू जो हैं वो पहले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान रहे हैं भारतीय टीम के। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है, तो ICC पुरस्कार जो है उसे क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 1930 में पहली बार किया गया था। थॉमस कप जो है ये हमारा बैडमिंटन से संबंध रखता है। नेक्स्ट है टर्मिनेटर के नाम से जो है वो हरभजन सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है विडंबन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी उनका नाम है सानिया मिर्जा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1985 में की गई थी। नेक्स्ट है हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है वो उसे IHF के नाम से जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट वन है राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे अवस्थित है, तो वो हमारा पटियाला में अवस्थित है और इसे जो है वो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है बटरफ्लाई का संबंध जो है ये हमारा तैराकी से जाना जाता है। बाराबती स्टेडियम जो है ये हमारा कटक में स्थित है, और कटक जो है वो चावलों का एक मुख्य शहर है, जहाँ पे कटक में जो है वो चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। नेक्स्ट वन है आयरन शब्द जो है ये हमारा गोल्फ से संबंध रखता है। मैराथन दौड़ की दूरी जो है वो 26 मील 385 गज की होती है। बैडमिंटन में नेट की ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर जमीन से रहती है। नेक्स्ट है बेंटन कप जो है वो हमारा हॉकी से संबंध रखता है। हॉकी के जादूगर जो है वो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, और उनकी आत्मकथा का नाम जो है वो है गोल। तो 300 क्वेश्चन है इस वीडियो का। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1961 में जो है वो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट वन है डबल फॉल्ट शब्द जो है ये हमारा टेनिस से संबंधित रखता है। मुगल किसके वंश से संबंधित थे? तो दुर्गी के वंशजों से ये हमारे संबंध रखते थे। बाबर के वंशजों की राजधानी क्या थी? तो समरकंद जो थी वो बाबर के वंशज जो थे उनकी राजधानी रही थी। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? तो 1504 में जो है बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 में जो है बादशाह की उपाधि जो है वो धारण की थी बाबर ने। नेक्स्ट है मुगल वंश की नींव किसने रखी? तो मुगल वंश की नींव बाबर के द्वारा रखी गई थी। हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे ये। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर जो है वो फरगना का शासक रहा था। बाबर के पूरे नाम की बात करें तो जहीरुद्दीन बाबर जो है वो उसका पूरा नाम था। बाबर का जन्म जो है 24 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण जो है वो किसके विरुद्ध किया था? तो यूसुफजाईयों के विरुद्ध जो है 1519 में बाबर के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण जो है वो 1526 का इसका माना जाता है, जो बाबर का पहला महत्वपूर्ण युद्ध था। बाबर के पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा जो है वो बाबर के पिता का नाम था। कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए ये। उसके बाद है कुतलुक निगार खानम जो है वो किसकी माता का नाम था? तो बाबर की माता का ये नाम था। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी, और यही जो है वो इसका महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 में माना जाता है। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में, ये मैंने आपको बता दिया। इसी युद्ध को जो है वो पानीपत का पहला युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 1527 में हुआ, राणा सांगा और बाबर के बीच। नेक्स्ट है 1528 में एक बार फिर से युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध जो बाबर और मेदनी राय के बीच हुआ था। उसके बाद हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में, जिसे बाबर को जो है वो पराजित मिली थी, और इब्राहिम लोधी का बड़ा भाई जो है महमूद लोधी के साथ बाबर का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर हार गया था, और इस युद्ध को जो है वो घाघरा का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है? तो तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी गई है, और बाबर की आत्मकथा को बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था? तो तोपखाने का इस्तेमाल प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें बाबर के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। बाबर ने युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी? तो तुलुगमा नीति जो है वो बाबर के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के क्या थे? तो तोपजी जो थे ये बाबर के लगते थे। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो आगरा में बाबर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत के बाहर के बने हैं? तो जहांगीर और बहादुर शाह जफर के मकबरे जो हैं वो भारत के
बाहर बने हैं। उदारता के कारण जो है बाबर को किस अन्य नाम से जानते थे, तो कलंदर के नाम से बाबर को जाना जाता था। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी थी, तो मुगल वंश की नींव जो है वो बाबर ने रखी थी। सौरमंडल में कुल कितने ग्रुप उपग्रह हैं, सॉरी कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं। पहले प्लूटो को भी ग्रह जो है वो माना जाता था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस वर्ष जो है प्लूटो को ग्रह का नाम से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है, तो उसे ग्रह के नाम से जानते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को जो है उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति के नियम का पता जो है सबसे पहले कैपलर ने लगाया था। जनरल साइंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89 टोटल तारामंडल हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो उसका नाम है बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का जन्मदाता कहा जाता है। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह जो है ये हमारे घूमते हैं। यूरेनस का मतलब होता है अरुण। नेक्स्ट है, निक्स ओलंपिया कोल्पस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, तो ये मंगल ग्रह पर स्थित है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, उसे अभिनव तारा के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिक्स के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, प्राचीन समय में सूर्य को क्या माना जाता था, इसे जो है ग्रह के नाम से प्लैनेट इसे बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में जो है वो सूर्य को जो है वो तारा कह के बुलाया जाता है। सूर्य जो है वो हमारा एक ग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य कौन सी गैसों का एक गोला है, तो हीलियम और हाइड्रोजन का एक गोला है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाशमंडल, प्रकाशमंडल जो है वो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस देश में रात्रि का सूर्य दिखाई देता है, मतलब अर्धरात्रि का सूर्य जो है वो नॉर्वे को जाना जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है, उपसौर। नेक्स्ट है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास सूर्य के धरातल का तापमान रहता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में ये दिखाई देता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, तो टोटल 71% है। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो सूर्य के अंदर है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो बुध जो है सबसे नज़दीक है। बुध जो है सूर्य का चक्कर लगाने में टोटल 88 दिन का समय लेता है। सबसे कम समय जो है वो बुध ही लेता है। सबसे दूर ग्रह की बात करें तो वरुण है, उसको हम यूरेनस के नाम से भी जानते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है, कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं, तो उनका नाम है बुध और शुक्र। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है, तो उसका नाम है बुध। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, तो शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं, तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, तो 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में ये टोटल एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी को नीला ग्रह इस क्यों कहा जाता है, तो जल के होने के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो चंद्रमा को जो है वो जीवाश्म ग्रह के नाम से हम जानते हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है वो एक हमारा उपग्रह है पृथ्वी का।
पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग हम देख सकते हैं? तो 57% जो है हिस्सा वो पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को रात और दिन बराबर होते हैं। 21 जून को सबसे बड़ा हमारा दिन होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे छोटा दिन हमारा कब होता है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितने वर्ष का है? तो 1011 वर्ष तक अनुमान है कि सूर्य की जो ऊर्जा है वो कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में बनी रहेगी, क्योंकि 71% इसमें अभी तक हाइड्रोजन है। तो मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो अभी तक सूर्य में उपस्थित है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मैसी जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। अरुण ग्रह की खोज कब हुई? तो नेपच्यून की खोज जो है सॉरी यूरेनस की खोज जो है वो 1780 ईस्वी में की गई थी। पृथ्वी द्वारा सूर्य के एक परिक्रमा को क्या कहा जाता है? तो सौर वर्ष उसे कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? ऋतुएं जो हमारी चेंज होती हैं जैसे शीत ऋतु, बसंत ऋतु, तो उसका चेंज होने का कारण क्या है? तो अक्ष पर झुकी होने के कारण। नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी था कि प्लूटो ग्रह को जो है वो उसकी कब मान्यता खत्म की गई थी। 24 अगस्त 2006 को जो है वो प्लूटो ग्रह को उसकी मान्यता उसकी रद्द की गई थी, ख़त्म की गई थी। और उसी से जो है वो वर्तमान में अब हमारे पास सिर्फ 8 ग्रह बचे हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगाने में कुल कितने समय लगाता है? तो 27 दिन और 8 घंटे जो हैं वो उसे टोटल टाइम लगता है। नेक्स्ट आपको एक और बात बतानी है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी और चंद्रमा तक सॉरी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। नेक्स्ट, जवाहर भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होता है। जवाहर भाटा किसके कारण आता है? तो टिंडल जो है ये सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण आते हैं। नेक्स्ट वन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा को जो है वो चंद्र ग्रहण हमारा होता है। इसी से हमारा सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण हमारा अमावस्या को होता है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन है आपके लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेंगे आर्मी के एग्जाम के लिए। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को हम देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को हम देख सकते हैं नंगी आंखों से, और शनि ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। नेक्स्ट है, यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल ने यूरेनस की खोज की थी। नेक्स्ट वन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब कब होता है? तो सूर्य ग्रहण की बात करें जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का ना दिखाई देना जो है वो सूर्य ग्रहण कहलाता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसकी वजह से चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और उसीलिए उसे जो है वो चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपके लिए मैं यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ चंद्र ग्रहण को याद रखने के लिए। अगर चंद्र ग्रहण आपको याद है तो सूर्य ग्रहण आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले जो है वो हमारे पास आता है सन, उसके बाद हमारे पास आते हैं या तो पृथ्वी आएगी या तो हमारे पास मून आएगा। तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे तो सन रहेगा, या तो यहाँ पे पृथ्वी आएगी या तो यहाँ पे हमारे पास मून आएगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास है ये सन। सन जो है वो अपनी पोजीशन से तो मूव नहीं करेगा, ये तो हमारा सन है, सन अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा। या तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास मून आएगा, या तो मून आएगा, और अगर मून आता है तो लास्ट में हमारे पास बचती है अर्थ, या यहाँ पे सबसे पहले अर्थ आएगा बीच में और अंतिम में हमारे पास बच जाएगा मून। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसमें से चंद्र ग्रहण कौन सा है और
हमारा सूर्य ग्रहण कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता देता, आपको चंद्र ग्रहण याद रखने के लिए ये वाली चीज़ याद रखनी है, SEM। SEM को आपको याद रखना है SAM, शाम, क्योंकि हमारा जो चांद है वो निकलता है शाम को, हमारा जो चांद है वो निकलता है शाम को। तो आपको ऐसे याद रखना है, S से सन, A से अर्थ जिसकी स्पेलिंग E से होती है, और M से मून। तो हमारा जो चांद है वो शाम को निकलता है, तो SAM, सन, अर्थ और मून। जब हमारी पृथ्वी बीच में आती है तब हमारे पास चंद्र ग्रहण होता है, और जब हमारा मून पहले आ जाता है और पृथ्वी बाद में चली जाती है तब हमारे पास सूर्य ग्रहण होता है। तो आई होप आपको ये ट्रिक इजी वे में समझ आई होगी, साथ साथ में अगर आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को जो है वो सौंदर्य का देव कहा जाता है। नेक्स्ट वन है, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को जो है वो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो जाती है। सबसे नज़दीक की बात करें तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पूरब से पश्चिम की ओर पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है। रात और दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रात और दिन होने का कारण है। नेक्स्ट है, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? 66 1/2 डिग्री जो है ये इसका झुकाव रहता है। नेक्स्ट है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने पता लगाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सौरमंडल से रिलेटेड आपके लिए, तो कोपरनिक्स के द्वारा जो है वो सबसे पहले इसका पता लगाया गया था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? तो इराटोस्थनीज ने जो है वो सबसे पहले इसकी त्रिज्या मापी थी। नेक्स्ट वन है, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन होने की संभावना अनुमानित है? मंगल ग्रह पर। यहाँ पे सिर्फ अनुमानित की बात इसलिए की गई है क्योंकि अभी तक पूरा 100% श्योर नहीं है, बट एक संभावना यहाँ पे विकसित की गई है साइंटिस्टों के द्वारा कि पृथ्वी की तरह जो है वो मंगल ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट बात करें, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? हरे रंग की लाइट जो है वो कौन सा ग्रह करता है? तो उसका नाम है वरुण। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रकी वैलिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कम से कम कितना समय लेता है? तो 2 सेकंड से कम जो है वो उसे कुल समय लगता है। नेक्स्ट है, किसी आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, उसका नाम क्या है? तो चंद्रमा को जो है वो पृथ्वी का पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? जो 76 वर्ष जो है वो धूमकेतु का आवर्तकाल होता है। नेक्स्ट है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है? उसे जो है वो किरीट के नाम से हम जानते हैं, जिसको मुकुट के नाम से भी हम जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो टोटल 26% भाग पर पर्वतों का विस्तार रहता है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के स्थलों में इसकी गणना की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है? तो 1% जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सबसे पहले जोली ने इसे बताया था। और रेडियो सक्रियता के सिद्धांत की बात करें तो ये पर्वतों की उत्पत्ति से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो टेथिस नामक सागर से जो है वो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जानी जाती है। नेक्स्ट हमारा 400 क्वेश्चन है, दक्षिण
ओटलस पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारी न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो एडीज नामक पर्वतमाला पूरे विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट वन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? तो ये हमारे नेपाल में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट मैकिनले। नेक्स्ट है, स्थलमंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो 33% भाग पर पठार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व की कितनी जनसंख्या पठारों पर निवास करती है? तो 9% जनसंख्या जो है ये पठारों पर निवास करती है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो उसे तिब्बत के पठार के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, पोटबार पठार किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में ये मुख्य रूप से स्थित है। लोयस पठार कहाँ पे है? तो ये हमारा चीन में है। तिब्बत का पठार कहाँ पे है? तो ये हमारा हिमालय पर्वत और क्यूनलून पर्वत के बीच में स्थित है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, किस पठार को दुनिया का छत कहा जाता है? तो कि ऐसे कौन से पर्वत है उसको दुनिया की छत कहा जाता है? तो पामीर के पठार को जो है वो दुनिया की छत माना जाता है। नेक्स्ट वन है, सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो सभ्यता का पालन जो है ये हमारा जुड़ा है पहाड़ों से, तो पहाड़ों को सभ्यता का पालन कहा जाता है। नेक्स्ट है, ड्रेकेन्सबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में है? तो ये यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पिंड्रीज पर्वत किन दो देशों को जोड़ता है? तो फ्रांस और स्पेन को ये मुख्य रूप से जोड़ता है। विंध्य पठार कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत में स्थित है। मैसूरी का पठार कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में है। मेसेटा का पठार जो है वो स्पेन और पुर्तगाल के बीच में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो भरतनाट्यम जो है वो ये सबसे प्राचीनतम शैली है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम और पोंगल कहाँ का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम और पोंगल जो है वो हमारा तमिलनाडु का नृत्य है। नुआखाई और बोइंता बंदना कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का ये मुख्य लोक नृत्य है। कमलकारी और घंटा मृदाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है हमारा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। नेक्स्ट है, कथकली ओणम और मोहिनीअट्टम कथकली ओणम और मोहिनीअट्टम जो है ये केरल का मुख्य नृत्य है। यहाँ पे कमलकारी और घंटाला मर्दाला जो है ये आंध्र प्रदेश का एक मुख्य नृत्य है। कथकली ओणम और मोहिनीअट्टम की बात करें तो ओणम हमारा एक त्यौहार भी है जो केरल में मनाया जाता है, केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो इनसे जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि जो हेमा मालिनी है उनका संबंध जो है वो भी हमारा मोहिनीअट्टम से ही है। नेक्स्ट है, मुखोटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो उसका कथकली से नृत्य हमारा ये संबंध करता है, और कथकली जो है ये केरल का है, और कथक जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश यूपी का है। बिहू की बात करें, आर्मी जीडी का सबसे कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिहू जो है ये हमारे असम का मुख्य त्यौहार है। लोहो जो है ये मेघालय का त्यौहार है। पनिहारी गरबा और डांडिया की बात करें तो ये गुजरात में मुख्य रूप से मनाया जाता है। भांगड़ा और गिद्दा जो है ये पंजाब में मनाया जाता है। फुलकारी लोक नृत्य की बात करें तो ये हरियाणा में मनाया जाता है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। भक्ति आंदोलन के जो उसका श्रेय है वो 12 अलवार और 63 नयनार और संतों को ही दिया जाता है। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत
लाने का श्रेय जो है वो किससे माना जाता है? तो रामानंद को ये माना जाता है। रामानुजाचार्य का जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था? तो 1017 में पेरम्बर में हुआ था, और उन्होंने जो है वो बिष्टा द्वैत जो है वो दर्शन दिया था। नेक्स्ट है, वैष्णव संत रामानंद ने रामानुजाचार्य से क्या संबंध था? तो वो उनके जो थे एक शिष्य थे। नेक्स्ट है, किसने भक्ति साधना का मोक्ष मार्ग बताया था? तो रामानंद के द्वारा ये मार्ग बताया गया था। नेक्स्ट है, कबीरदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो 1425 ईस्वी में वाराणसी के निकट लहल तारा के पास जो है वो कबीरदास का जन्म हुआ था। कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर लोधी के ये समकालीन रहे थे। कबीर ने किस भक्ति पंथ का प्रसार किया था? तो निर्गुण भक्ति पंथ का प्रसार जो है वो कबीर ने किया था। नेक्स्ट है, कबीर के अनुयायी को क्या कहा जाता था? तो कबीर पंथी के नाम से कबीर के अनुयायी को जाना जाता था। कबीर की बाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो बीजक में जो है वो कबीर की बाणी संकलित है। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म पंजाब के तलवड़ी में 1469 को हुआ था। गुरु नानक जी ने जो है वो सिख धर्म की स्थापना की थी। काफ़ी बार आर्मी जीडी में ये पूछा जा चुका है, किस सूफी संत से गुरु नानक प्रभावित हुए थे? तो सूफी संत बाबा फरीद से ये प्रभावित हुए थे। नानक बाणी किस ग्रंथ में संकलित है? तो गुरु ग्रंथ साहब में ये संकलित है। चैतन्य ने किसकी भक्ति पर जोर दिया था? तो कृष्ण भक्ति के ऊपर जो है उन्होंने जोर दिया था। बल्लभाचार्य को क्या कहा जाता है? तो बल्लभाचार्य को जो है वो भक्ति मार्ग कपुष्टि मार्ग कहा जाता है। 450वां क्वेश्चन है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये हमारे अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, लास्ट 50 क्वेश्चन इस 500 की सीरीज के। 451 क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान रहता है, और अगर जनसंख्या की बात करें तो पूरे विश्व में जो है वो दूसरा स्थान हमारे भारत का रहता है। भारत के उत्तर में जो है वो चीन, नेपाल और भूटान देश स्थित हैं। भारत के पूर्व में जो है वो बांग्लादेश स्थित है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। नेक्स्ट वन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर जो है भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जहाँ पे हमारी गंगा नदी गिरती है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर जो है वो मुख्य रूप से पड़ता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती है? तो म्यांमार से अलग करती हैं, और म्यांमार के पुराने नाम की बात करें तो बर्मा जो है वो इसका पुराना नाम है। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी और पाक जल मरुमध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो ये श्रीलंका से अलग करते हैं। संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य गुजरती है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर जो है वो टोटल विस्तार है, मतलब कि 3214 किलोमीटर भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 2933 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। अंडमान निकोबार कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हमारा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जो है वो हम जानते हैं। इंदिरा पॉइंट को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उसका नाम है पिगमिलियन पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का टोटल कितना प्रतिशत है? तो 2.42% जो है वो टोटल विश्व में से काउंट किया जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17% जो है वो भारत में निवास करता है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 जो है वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो स्थल की बात करते हैं कि मतलब जमीन की बात की है यहाँ पे, जो धरती को छू रहे हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। जल की बात करें तो जल से जो है
वो मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। कर्क रेखा जो है वो किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। एक क्वेश्चन कर्क रेखा से आपके लिए बनता है। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। तो उसी से ये सारे राज्य जो हैं वो हमारे निकल के आते हैं। टोटल जो है वो हमारे 8 राज्य हैं। इनको याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक आपके लिए रहेगी, मित्र पर गमछा झाड़। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कितने अक्षांश पर है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर ये रहती है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से जो है इसका समय जो है वो लिया गया है। भारत के मानक समय और ग्रीन बीच समय में टोटल कितना अंतर है? तो यहाँ पे मिस्टेक है, 5.5 घंटे का अंतर जो है वो वहाँ पे रहता है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर टोटल दूरी है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर जो है वो भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी के एग्जाम के लिए। तो 6,100 किलोमीटर जो है वो इसकी टोटल लंबाई है। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर जो है वो इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत वो पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8% पर टोटल पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44% पर टोटल मैदानी विस्तार है। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है जो समुद्र तट रेखा से टच करते हैं? वो है टोटल 9 राज्य। नेक्स्ट है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो है सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। कर्क रेखा भारत के किन राज्य से होके गुजरती है? अभी मैंने आपको बताया टोटल 8 राज्य हैं, और याद रखने के लिए इसके लिए ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? सबसे बड़ी मैंने अभी आपको बताई गुजरात, और सबसे छोटी जो है ये है गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ ये लगती है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो सबसे प्राचीन भाग माना जाता है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जानते हैं? तो कोरोमंडल तट के नाम से उसे जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो गोवा से दमन तक ये फैला हुआ है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके कारण हुई थी? तो प्रवाल के कारण, उछाल के कारण जो है ये हुई थी। नेक्स्ट लास्ट 5 क्वेश्चन है इस 500 सीरीज के। नेक्स्ट है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान सागर में स्थित है। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वर जो है वो द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। यहाँ पर जो है वो हमारा राम सेतु पुल भी बना हुआ है। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 वहाँ पे टोटल द्वीप हैं। लक्षद्वीप समूह में जो 36 द्वीप हैं उसमें से कितने द्वीपों में सिर्फ मानवों का वास है, मतलब मानव वहाँ पे रहते हैं? तो वो है टोटल 10 द्वीप। नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जिसे सफेद पानी के नाम से जानते हैं? यूनिक क्वेश्चन है। सियाचिन को जो है वो सफेद पानी के नाम से जानते हैं। सियाचिन से काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये हमारा भारत में पड़ता है, और दुनिया का सबसे ऊंचा जो है ये आर्मी का सेंटर हम बोल सकते हैं, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे हाइट पे है ये। और दूसरा, सियाचिन जाने वाले जो पहले भारत के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मनमोहन सिंह। कई बार आपको यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी का ऑप्शन होता है, बट नरेंद्र मोदी जो हैं
वो दूसरी बार गए थे और सबसे पहली बार जो है वहां पे गए थे मनमोहन सिंह। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत के किस स्थान को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो ये थी आपके लिए 500 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, और आपको साथ में नोट्स आपको बनाते चलना है ताकि आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो सके। और विजयपथ डिफेंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। इस नंबर के ऊपर आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको इसकी PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।